औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। चल भी मलंगी आग मिनट्री थी फुटबॉल पर टूर्नामेंट बहुत ही बॉलर वासी बहुत ही आला बॉलिंग अच्छा बॉल किया पहला बॉल ना पूछो वासी अली मुनसफ को बहुत ही अच्छा बॉल किया था। शॉर्ट बॉल थी बहुत ही खूबसूरत बॉल देखना पड़ेगा आए फिर एक बार वासीफ बॉल की बहुत ही स्लो बॉल थी छह रन कर सकते थे लेकिन शॉट लूज किया और एक रन के लिए खेला बॉल गई फील्डर के पास एक रन मुकम्मल किया। तीसरी बॉल करने के लिए आए दो बॉलें बहुत ही खूबसूरत अंदाज में की पहला बॉल तो बहुत ही खूबसूरत था तीसरा बॉल करने के लिए तैयार देखना पड़ेगा और डेड बॉल कर दिया डेड बॉल कर पता नहीं जी मेल दे इतने टाइम दी कोई नहीं गल यार एक रन के लिए खेल सके कमांड रखी ओ बटा रहा दे चल हूँ सही है वो चुकया जाता है बहुत ही खूबसूरत अभी तक दो रन ही आए हैं वसी हुंदल को अली मुनसफ हो फिर एक रन के लिए खेला दूसरा रन कर सकते हैं फील्डर दूर है अभी और रन आउट होने का खदशा लेकिन फील्डर की आपस में तालमेल दुरुस्त नहीं थी जिसकी वजह से दो रन मुकम्मल किए वरना रन आउट हो सकता था तो अली मुनसफ फिर स्ट्राइक रखेंगे अपने पास स्लो बॉल कर स्लो वासिफ ने अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं डॉट बॉल करवा स्लो बॉल कर दिया एक जबरदस्त ओवर का सिलसिला जो थमने का अभी तक नहीं अभी तक चार रन नहीं आए हैं और मेरे ख्याल से लास्ट बॉल है लास्ट बॉल क्या रहे हैं ओ ऐसा तो होना था बहुत ही गलत डिलीवरी अगर ऐसी डिलीवरी डालोगे तो छह रन लगेंगे इसी के साथ दस रन पे ओवर किया है वासिफ ने बहुत ही खूबसूरत शॉट लगाई फुल टॉस बॉल थी लो फुल टॉस और छह रन के लिए खेला है जबरदस्त छक्का थर्ड बॉलर आए हैं ज़ुहैब हुंदल ये दोनों ही भाई हैं वसी हुंदल और ज़ुहैब हुंदल अभी तक तो कोई मैच नहीं उनका हुआ ना ही देखा है आज अगर आ जाए तो पता नहीं बॉलर लगी ना भाई ज़ुहैब आए हैं जी बॉलर अनायत करेंगे सामना ओ, एक रन के लिए खेला ज़ुहैब की बहुत ही शॉर्ट बॉल ड्रीमी थी तो रात का टाइम है लाइटें मदम हैं लोअर लाइटें हैं तो इसमें थोड़ा सा शॉर्ट बॉल को समझना मुश्किल होता है अगर स्पीड से शॉर्ट बॉल आएगी तो वो बहुत ही मुश्किल बॉल होती है बजाय इसके कि उल्टा सा बॉल डालोगे तो उसको सिक्स लगना बहुत ही आसान है तो देखना पड़ेगा आए बॉल की हो स्लो शॉट बॉल थी और एक अच्छा सिक्स लगा के बता दिया अपनी टीम को अली मुनसफ सीसी बहुत ही अच्छे बॉलर हैं ज़ुहैब उतने ही अच्छे बैट्समैन हैं सुहेल ज़ुहैब भाई और जहाँ पे कैच बहुत ही मुश्किल होता है
कैच तो मुश्किल होता है क्योंकि दीवार बहुत नजदीक है, तो इसलिए कैच लगा पकड़ना थोड़ा मुश्किल होता है, देखना पड़ेगा। अब जोहेब बुटरा वर्सस मलोल पर भी जोहेब आए भाल की कैच होने का खदशा, और इसी के साथ कैच पकड़ लिया और उंगली फजा में बुलंद अंपायर की और यकीनन आउट, और शायकीन हजरात में एक खुशी का लम्हा पर जोश दिखाई देते हुए क्योंकि उनके गांव की बलोलपुर के गांव की टीम खेल रही है पी टीम। बिलाल है थोड़ा साइड तो यार फील्डिंग पूरी हो गई। अस्सलाम वालेकुम बिलाल है, भाई मैं तुरे आ जा फील्डिंग पूरी है। बलोलपुर की टीम में काफ़ी खुशी जोश और खरोश और काफ़ी बलबला दिखाई दे रहा है। बिलाल इधर ही खड़ो ए ए इथे दया बुटरा के रजमान और जहेब का सामना करेंगे। 6 रन के लिए खेलना चाहते थे लेकिन 1 रन ही बन सकेगा क्योंकि शॉट में टाइमिंग नहीं थी, इतना ज्यादा। तो आप कालो के यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि हम और ज़्यादा मैच बना के आप तक पहुंचा सकें। आपका काम है सिर्फ लाइक और सब्सक्राइब करना कालो पीके यूट्यूब चैनल। जोहेब आए भाल की और बहुत ही स्लो आम 6 रन के लिए खेला मुनसफ ने। तो ऐसे बाले करोगे तो ओहो ये तो होना था, 6 तो लगने थे। तो हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में है यासर, तो यासर से हम पूछेंगे कि आपको टूर्नामेंट कैसा लग रहा है आज का। यासर का भी मूड नहीं है बात करने का, चलो कोई बात नहीं। तो हम कमेंट्री बॉक्स में आज बहुत ही परजोश होने वाला है, कमेंट्री बॉक्स में आज बहुत ही आला आला मेहमान आने वाले हैं हमारे कमेंट्री बॉक्स में। तो जहीब शाह भी कमेंट्री बॉक्स में आएंगे, तो देखना पड़ेगा। की ना आएगा वसी वसी अगला ओवर करवाने के लिए तैयार है। तेरा चुके हैं जफर इकबाल बाजार में से तलक और जी जफर इकबाल कोई सा स्कोर बड़ा हो गया चलो शाबाश शाबाश एदा की ना उसका फौजी और जी ना की जफर फौजी जफर फौजी साहब ओवर करवाने के लिए तैयार हैं और रजवान रजवान करेंगे सामना बुटरा के। बहुत ही अच्छे बैट्समैन आए, ओ यॉर्कर लेंथ बॉल थी, मलिंगा जैसा स्टाइल था और बहुत ही खूबसूरत यॉर्कर 1 रन के लिए ही महदूद कर दिया बैट्समैन को। ओ वाइट बॉल एक्स्ट्रा स्कोर पहले ही काफी हो चुका है तो एक्स्ट्रा से लोल कर दीजिए पहले जनाब फौजी साहब। जफर फौजी मलिंगा जैसा स्टाइल है बॉलर का, अरे पानी के छेती 13 ईयर एज है आए, ओ 2 रन के लिए खेल दिया है वासिफ ने। अंपायर का इशारा 2 रन, बहुत ही अच्छी बॉल थी फौजी साहब की। ए ए ओनो आदा इधर नहीं होता, तुम करना है तुझे
फिर एक बार फौजी धीमे धीमे कदमों के साथ आगे। ओ पायर का इशारा आउट बार। तो बलौलपुर के शायकीन बहुत ही परजोश दिखाई दे रहे हैं हमें, काफी जज्बा, काफी बहुत ही अच्छा एक्साइटमेंट टूर्नामेंट। बलौलपुर में बलौलपुर की टीम दूसरा विकेट चटकाने में हुई है कामयाब, और कमेंट्री बॉक्स में बहुत ही माया नाजार राउंडर यासर हमारे साथ मौजूद है जो कि धारोवाल की नुमाइंदगी करते हैं। यासर एक माया नाज ऑल राउंडर, बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग तीनों फॉर्मेट में बहुत ही उमदा कारकर्दगी है, तो आज कमेंट्री बॉक्स में हमारा साथ देंगे। बलौलपुर बी वर्सेस बुतरा, तो एक से अगला मैच होने जा रहा है पूर कोटली वर्सेस धारोवाली के दरमियान। तो बुटरा के नए बैट्समैन एंड फील्डर में तब्दीली, जो टीम मैच हारेगी वह टूर्नामेंट से खारिज बाहर हो जाएगी, वो आराम से अगले मैच घर बैठ के देखेगी। अहमद गया थोड़ा इधर इधर हो थोड़ा उसपे भी लाइव चलाए जाते हैं। अंपायर यासर अंदर का इशारा, वाइट बॉल, कालो पीके पे लाइव चल रहे हैं मैच। आ रही बॉलर आए जफर फौजी, फिर से वाइड बॉल, कोई साहब स्पीड का नहीं बने, शाबा शाबा। तीसरा लगातार एक्स्ट्रा, दो चार बाला दे ना, कट दे कट दे। तो भौलपुर के गांव के शायकीन हजरात बहुत ही खूबसूरत अंदाज में मैच देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। शाम का टाइम है, 9 बजे का टाइम है, और मुसलसल चौथा वाइड बॉल। फजल खर्ची बहुत ही अच्छी है ये, थोड़ा ही रह गया कम, फौजी तैयार बाल करवाने के लिए और मुसलसल वाइड कर रहे हैं, उन्होंने लाइन ही बैट्समैन की यही कर लो, उन्हें तो उठे रखनी। दोनों ही तरफ से वाइड कर रहे हैं फौजी साहेब। बाहर निकल पड़ गया मार नहीं ਸਾਈ ਬਾਂਦ ਚਲੋ
साइज साइड तो या अतरो ठहरी It's a white ball. Fauji Zafar. लोग खर्ची से प्रेम करें जनाब. अभी बहुत मैच रहते हैं. शाबाश शाबाश दो चार बाला कर दे कर दे. Well done, Fauji साहब. Well done. कोई बात नहीं. जज्बा जनून और हिम्मत न हार अठवंजा 58 रन 58 रन का टारगेट इन 4 ओवर बुटरा नहीं लो मैं जरा नड़के तो हो गया फिर नड़के तो हो गया क्या ना गेंद लो लो कोई नहीं है ना किरस करो यार अठवंजा तस्वीर खिंचाओ यार पहले ओवर की पहली गेंद के लिए तो है सामना करेंगे तैयार बहुत ही खूबसूरत शॉट 6 रन के लिए खेला सिक्स
पहली बॉल पे पहला सिक्स, पहला पर बी की जानिब से सात रन आ चुके हैं। ओ अच्छी गेंद के लिए बैट्समैन समय ने मेहनत दो बाले। पहले ओवर का खेल जारी। दो बाले सात रन मुकम्मल हो चुके हैं। गेंद के लिए दौड़े, सामना करेंगे तैयार। अच्छे अंदाज में बहुत ही खूबसूरत शॉट, हवा में उड़ता हुआ बॉडी लाइन से बाहर। धई अपने दो सिक्स लगा के बता दिया बिलौलपुर की बी टीम भी किसी से कम नहीं। बढ़ता हुआ स्कोर 13 रन हो चुके हैं दो बालों पे। बहुत ही ज्यादा स्कोर, स्ट्राइक रेट बहुत ज्यादा, 600 से अबाव और तीसरा वाइड कर दूसरा वाइड 14 रन। अच्छी बैटिंग करते हुए दो लगा चुके हैं। अच्छी बॉल, यकीनन एक रन मुकम्मल हुआ। पहले ओवर का खेल जारी। स्कोर 15। 55 नंबर गेंद है बॉलर की। 15 रन तीन बालों पे दे चुके हैं। स्ट्राइक रेट बहुत ज्यादा, 300 के स्ट्राइक, 500 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं। पहला ओवर उमर टेबा बिलौलपुर फ्लड लाइट टूर्नामेंट। हो फील्डर है सामने, एक रन मुकम्मल किया। पहले ओवर की लास्ट बॉल और बढ़ता हुआ स्कोर 16, पहले ओवर बी 11 की जानिब से। आखिरी गेंद के लिए दौड़े उमर और अंपायर यासर का इशारा वाइड बॉल। तैयार, काफी खूबसूरत अंदाज में बैटिंग कर रहे हैं तैयार। पहले ओवर का खेल मुकम्मल, बढ़ता हुआ स्कोर 18। इसी तरह बिलौलपुर को जीतने के लिए पहला ओवर अच्छा मिला। मैं ना जो डर लगू तो गल करी मेरे नाल। सियाना कुछ नहीं, पिंड वाले बंदे ने किसी का मैच
ਜੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਆ ਜਾਣਾ ਬਾਬਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾ ਇਹਤਸ਼ਾਮ ਬੁੱਟਾ ਲੈਵਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਮੈਂਟਰੀ ਬੋਲ ਦੇ ਤੇਰਾ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਤਾਰਫ ਕਰਾਇਆ ਨਾ ਆ ਤੇ ਫੇਰ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜਵਾਬ ਅੱਛੀ ਸ਼ਾਟ दूसरे ओवर का खेल जारी पहली गेंद पे पहला फोर पहला ओवर पर बी की जानिब से अच्छी बैटिंग का मजारा कर रहे हैं तैयबैन जवाब अच्छी बॉल और एक रन मुकम्मल हुआ अच्छी बैटिंग कर रहे हैं बैटर की जानिब से ओपनिंग पे तैयब जवाब अच्छी बॉल अच्छी शॉट सामने है फील्डर और दो स्कोर मुकम्मल किए पहले ओवर फोर की जानिब से तैयब ने दूसरे ओवर का खेल जारी बढ़ता हुआ स्कोर 25 की जानिब से और अच्छी शॉट अच्छी बैटिंग कर रहे हैं बल्लौरपुर की जानिब से तैयब एहतशाम गेंद के लिए दौड़े अच्छी बॉल मिस और मुकम्मल एक स्कोर किया तैयब ने दूसरे ओवर का खेल जारी आखिरी गेंद करेंगे किसान अच्छी बॉल बैट्समैन मिस कर चुके हैं दो ओवर का खेल मुकम्मल हुआ बढ़ता हुआ स्कोर 30 और दो ओवर में पहले ओवर पर बी 11 को जीतने के लिए 29 रन बरकरार है अच्छी बैटिंग का आगाज किया तैयब ने उम्मीद है कि बाकी के दो ओवरों में स्कोर पूरा करेंगे 30 29 स्कोर ते 12 गेंदा 12 गेंदा ते 29 स्कोर जो टीम ये मैच लूज करेगी वो टूर्नामेंट से आउट हो जाएगी दोनों टीमें
कोशिश कर रही है। तीसरा ओवर गुप्तर अलैना इलेवन की जानिब से उमर। अच्छे अंदाज में बॉलिंग करते हैं, सामना करेंगे तैयब। इधर चल लो, चल चल मेरा शाबाश यार। तीसरे ओवर का खेल जारी, गेंद के लिए दौड़े उमर। और कप्तान जी फील्ड चेंज हो आज भाई, अंपायर मेहरबानी करें, बहुत ज्यादा मैच है और काफी अनाउंसमेंट की थी कि टीम मुकम्मल किट में आएगी। और फील्डर इस टूर्नामेंट में दूसरी टीम का किट का पहनना जरूरी है। उमर शाबाश, अच्छी पार्टी का खड़ा बॉल मिस की तैयब ने। मैदान पर जीतने के लिए 11 गेंदों में उमर सामना करेंगे तैयब। दो रन, अच्छी गेंद की उमर ने। बॉल बच्चों फेंक देना बाहर, जो भी है ना वो बाल पकड़ के अंदर ग्राउंड में फेंक दो, मेहरबानी होगी। ये जितना आप शोर कर रहे हैं उतने पालों को भी ख्याल रखें। भाई इधर चौथे दिन का पहला मैच उमर ठीक है। सिंगल अमर सामने है फील्डर और एक रन पहले पर जमशेद बैटिंग का सामना करेंगे। जमशेद उमर Okay, I don't need it.
बचे 30 रुपए हौसला अफजाई बिलाल बिलाल अफजल हंबल जमशेद ए बी डिविलियर नो प्लेट ना कंपेयर का इशारा नो प्लेट तीसरे ओवर का खेल जारी उमर आखिरी गेंद करने के लिए दौड़े अच्छी बॉल अच्छा बॉल करके अंपायर यासर का तीन ओवर का खेल मुकम्मल बढ़ता हुआ स्कोर 42 और पहले ओवर फोर बी को 17 रन 6 वाइड जीतने के लिए अच्छी बैटिंग करना पड़ेगा नहीं तो टूर्नामेंट आउट हो जाएंगे फर्क बाल एक निकल गई खेडन जन्म से चौथा और आखिरी ओवर सामने करेंगे तैयार 6 गेंदा ते 17 स्कोर सामने दो रन मुकम्मल हुए जीत रहा है ये के खेलने जैसा पहली ओवर चले पाए दो तीन दो बाउंड्री है खिला लो बैट्समैन सामने खिला तीन गेंदों पे 12 स्कोर दो बाउंड्री मुकम्मल तीन बाले दो रन सिक्स लगेंगे तो तीन बालपुर के शायकी नजरा बॉल की नजरें जमी हुई है और मुंह खुला हुआ है अब दो बाले एक सिक्स चाहिए बलौलपुर बी की टीम को शायकीन पर जोश है बलौलपुर के
सिक्का जड़ेंगे जे ग्राउंड से बलौलपुर बी की टीम हार चुकी है। देखा वाइट का फर्क पिया एक ग्राउंड